गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार चौधरी आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास, जो कि हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न इससे आते हैं और आपको एग्जाम में इसके प्रश्न देखने को मिलते हैं। आज का इस टॉपिक का जो नाम है, आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, डीसी जनरेटर में होने वाली हानियां। डीसी जनरेटर में होने वाली हानियां, तो डीसी जनरेटर जो हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या होती है, कुछ हानियां पाई जाती है और हानियां होती है और इसे हम कम करने की कोशिश करते हैं। पूरी तरह से तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इसे हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं, जैसे कि किस मटेरियल का यूज करना चाहिए और कम से कम वहां पे गैपिंग जो है, एयर गैप कम से कम रखना चाहिए, फील्ड के बीच में जो एयर गैप कम से कम रखना चाहिए, ठीक है। इस तरह की हम बहुत सारी व्यवस्था करते हैं जिससे कि हानियां ये कम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हानि के बारे में, जो ये हानियां है डीसी जनरेटर में होने वाली जो हानियां है, ये तीन तरह की हानियां है। इसे तीन प्रकार की कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले है ताम्र हानि, जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं कॉपर लॉसेस, ताम्र हानि, कॉपर लॉसेस। और दूसरी जो हानि है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो दूसरी प्रकार की हानि है वो है लोहा हानि, जिसको बोलते हैं आयरन लॉस, ठीक है। ये लोहा हानि है और आयरन लॉस, ठीक है। और तीसरी प्रकार की जो हानियां हैं वो आप यांत्रिक क्षति, जिसको कि मैकेनिकल लॉस बोलते हैं। ये तीन तरह की हानियां डिवाइड की गई है, ठीक है। तो आप सबसे पहले, हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले प्रकार की हानि, जो ताम्र हानि, जिसको कॉपर लॉस बोलते हैं। जब डीसी जनरेटर बनाया जाता है तो उसमें बहुत कॉपर का यूज किया जाता है, जैसे कि फील्ड बनाए जाते हैं, आर्मेचर में कॉपर्स डाले जाते हैं, तो वहां पे कॉपर में क्या होती है, थोड़ी सी कॉपर में करंट फ्लो करती है और उसमें से हीट होती है। करंट फ्लो होने से, वहां पे होने वाले हीट से जो लॉस बनती है उसको बोलते हैं कॉपर लॉस, यानी कॉपर के कारण जो लॉस हो रही है उसको बोलेंगे कॉपर लॉस। तो इसमें देखो, ये सबसे पहले आर्मेचर क्षति, यानी आर्मेचर में होने वाले जो लॉस होते हैं कॉपर लॉस, यहाँ पे आर्मेचर है, ये 30-40% तक इसकी मात्रा होती है, ठीक है। और इसमें आर्मेचर में जो कॉपर का यूज करके हम लोग कंडक्टर डालते हैं, तो उसमें से जो करंट, जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो करती है, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो करती है, जिसके कारण क्या होती है, वहां पे कुछ लॉसेस हो जाती है, उसको बोलते हैं आर्मेचर लॉस, ठीक है। आर्मेचर लॉस इसकी जो मात्रा होती है 30-40% होती है। अब मैं बात करता हूं दूसरे प्रकार की लॉस, जो होता है शंट फील्ड लॉस, ठीक है, शंट फील्ड क्षति। इस प्रकार के लॉस आप देखो कि डीसी जनरेटर में जो होते हैं, दो प्रकार के फील्ड पाए जाते हैं, एक होता है सीरीज फील्ड और दूसरा होता है क्या, शंट फील्ड। सीरीज फील्ड वो फील्ड होता है जो आर्मेचर के बिल्कुल सीरीज में हम लगा करके उसे कनेक्ट करते हैं, और शंट फील्ड जो होता है हम उसको आर्मेचर के पैरेलल में लगाते हैं। इसे हम आर्मेचर के भी पैरेलल में लगा सकते हैं और आर्मेचर और सीरीज फील्ड के भी पैरेलल में लगा सकते हैं, तो वो दूसरे बात है, हम उसकी बाद में बात करेंगे किस प्रकार से उसका कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो शंट फील्ड और सीरीज फील्ड जो बना, जिस कॉपर का हम लोग कॉपर का ही बना करके बनाते हैं उसमें, तो वहां पे भी कुछ लॉसेस हो जाते हैं, जिसको कि हम शंट फील्ड क्षति बोलते हैं। शंट फील्ड क्षति जो होती है ये भी 20-25% तक होती है, और नेक्स्ट जो है वो सीरीज फील्ड क्षति है, और इसकी कोई प्रतिशत नहीं है, क्योंकि ये सीरीज में होती है, ये उसपे उसके ऊपर लोड पे डिपेंड करता है और ये लोड के साथ समानता बदलते रहती है, तो इसे आप, इसको आप वेरिएबल में ले सकते हैं। और नेक्स्ट जो है इंटरपोल क्षति है। इंटरपोल क्षति जो होता है, देखो एक तो पोल होते हैं, मैन पोल होते हैं, और उसके बीच में छोटे छोटे इंटरपोल हम लगा करके रखते हैं। आप जब कोई जनरेटर आप खोलोगे तो उसके बीच में क्या होता है, एक मैन पोल देखने को मिलती है, और मैन पोल के बीच बीच में आपको इंटरपोल देखने को मिलती है, ठीक है। और ये मैन पोल के सीरीज में ही कनेक्टेड होती है, और ये कोई बाहर से हम लोग इसको पैरेलल में नहीं कनेक्ट करते हैं, ये मैन पोल के सीरीज में ही कनेक्ट होती है। और ये भी इसमें भी कॉपर का यूज किया जाता है, और यहाँ पे भी कॉपर से होने वाली जो हानियां हैं, लॉस है, वो यहाँ पे हो जाता है। फिर है ब्रश संपर्क क्षति। तो आप देखोगे कि जो कम्यूटेटर होता है आर्मेचर के, जो एक एंड पे क्या होता है कम्यूटेटर होता है, उस कम्यूटेटर में हम ब्रश कॉन्टेक्ट करा करके हम वहां से क्या करते हैं, आउटपुट बाहर ले लेते हैं, तो वहां पे भी ब्रश संपर्क में भी कुछ लॉसेस हो जाते हैं, जिसको कि हम कॉपर लॉस के तहत ही रखते हैं। और इसका लॉस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे P = I² R, P =
आई स्क्वायर आर से हम इस लॉसेस की काउंटिंग कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ताम्रहानि समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट लॉस की बात करते हैं। नेक्स्ट लॉस में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर लोहा हानि। लोहा हानि भी आपको वहां पे मिलेगा, और इसका भी कारण है कि जिस पर आप, जिस पोल शू पे आप कॉपर को लपेटते हो, तो वो कोई ना कोई मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। तो वहां पे क्या होती है, उस मटेरियल, किस मटेरियल की बनी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे कि उस पर है कि वो कम से कम, जैसे उस पर करंट देंगे तो उसमें मैग्नेटिज्म जो है कम से कम रहे, लाइट कट जाने के बाद या लाइट चले जाने के बाद कम से कम उसका हो, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्टेरेसिस क्षति जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें क्या है कि इसको निकालने के लिए आपको यहाँ पे देखो नीटा बी एम टू दी पावर 1.6 इंटू एफ इंटू भी से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, जहां पे आपको नीटा जो है हिस्टेरेसिस नियतांक है, और बी एम जो है उसका अधिकतम चुंबकीय घनत्व है, और एफ जो है उसकी आवृत्ति, और भी कोर का आयतन है। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, यानी कि कोर का आयतन जितना ज्यादा होगा उसकी हिस्टेरेसिस क्षति उतनी ही कम, उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो अधिकतम चुंबकीय घनत्व ये है, और आवृत्ति, आवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये जो हिस्टेरेसिस लॉस है, ये आवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आवृत्ति के अनुसार आवृत्ति बढ़ाएंगे तो इसकी क्या होगी, लॉसेस जो है हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ते चली जाएगी, और जैसे जैसे हम उसके फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो इसकी लॉसेस कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो अब ये अधिकतम चुंबकीय घनत्व के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या करते हैं कि इसको कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा जो है हिस्टेरेसिस लॉस कम से कम हो। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहाँ पे है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस जो होती है ये 20-30% लगभग मानी जाती है। आप यहाँ पर देखो कि इसको निकालने के लिए डब्ल्यू ई यानी एडी करंट लॉस हम जो निकालते हैं, ये जो होता है अधिकतम चुंबकीय घनत्व के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और फ्रीक्वेंसी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और थिकनेस यानी कि जो मोटाई, लेमिनेशन की जो मोटाई होती है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हो, जहां पे बी एम जो है अधिकतम चुंबकीय घनत्व है, और एफ जो है आवृत्ति है, और टी लेमिनेशन की मोटाई है। तो इसका जो परसेंटेज लगभग होता है एडी करंट लॉस, तो 20-30% होता है। अगर आपको लोहा हानि कुल ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, लोहा हानि निकालने के लिए आप कुल जो है इस दोनों का, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों को सम करके आप उसका निकाल सकते हैं, और यहां पर आप इस तरह से आयरन लॉस आप फाइंड कर लोगे। अब हम नेक्स्ट मैकेनिकल लॉस की बात करते हैं। तो कुछ मैकेनिकल लॉस भी होते हैं, जैसे कि आप यहां पे देखो मैकेनिकल में क्या आएगा कि कुछ जो है विंडेज लॉस होता है, कुछ जो घर्षण हानियां होती है, ठीक है, तो वहां से भी कुछ कुछ लॉसेस हो जाती है। तो इसमें जैसे कि एक प्रकार की जो यांत्रिक क्षति को हम अगर डिवाइड कर सकते हैं तो वो डिवाइड है स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस को हम, स्ट्रे लॉस को दो पार्ट है इसका, एक आयरन लॉस और दूसरा है मैकेनिकल लॉस। आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस दोनों का सम करके आप स्ट्रे लॉस निकाल सकते हो। अगर कोई आपको एग्जाम में पूछे कि स्ट्रे लॉस क्या होता है तो आप सिंपल बता सकते हो वहां पे, स्ट्रे लॉस जो होता है वो क्या कि आयरन लॉस और प्लस मैकेनिकल लॉस दोनों का सम होता है, तो आप यहां से निकाल सकते हो। फिर है कि लॉसेस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक क्या है निरंतर बदलती रहती है लोड के अनुसार, वो लोड ज्यादा होगा तो लॉसेस ज्यादा होने लगेगा, लोड कम होगा तो वहां पे लॉसेस कम होने लगेगी। इस तरह से यहाँ पे इसको बोलते हैं कांस्टेंट लॉस, यानी कि ये बदलती नहीं है लोड के साथ, ये बदलती नहीं है, और एक जो है लोड के साथ बदलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लोड के साथ ये नहीं बदलेगी, जो कि आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस और संट फील्ड लॉस, ये तीनों जो है हमारा नियत क्षति है यानी कांस्टेंट लॉस है। इसको लोड के साथ कोई ज्यादा बदलता नहीं है, लोड बढ़ने से कोई भी इस पे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप देखो यहाँ पे वेरिएबल लॉस है जिसको बोलते हैं और स्थिर लॉस, और ये स्थिर नहीं होती है, ये जैसे आर्मेचर फील्ड ये स्थिर नहीं होती है, और सीरीज फील्ड ये भी स्थिर नहीं होती है। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा उस तरह से यहाँ पे इसकी लॉसेस भी बढ़ती चली जाएगी, और ये अधिक लोड होने के साथ अधिक हो जाएगी और कम लोड होने के साथ कम हो जाएगी। इस तरह से आप और स्थिर लॉस निकाल सकते हैं, और स्थिर लॉस आर्मेचर फील्ड लॉस और प्लस सीरीज फील्ड लॉस दोनों को निकालने के बाद आप निकाल सकते हैं।
और इस तरह से कुल क्षति जो होगी हमारा यहाँ पे नियत और अस्थिर क्षति दोनों को मिला करके, यानी कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस दोनों को मिला करके आप कुल क्षति निकाल सकते हैं। ओवरऑल ये सारी क्षतियां आपके डीसी जनरेटर में होने वाली क्षतियों के अंतर्गत आती है। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे तो यहाँ पे लॉसेस इससे रिलेटेड आपको नॉमिकल्स भी देखने को मिल सकता है और इसके ऑब्जेक्टिव भी आपको देखने को मिल सकता है। वहां पे इसको आप आराम से समझ सकते हो कि किस प्रकार की लॉसेस हो सकती है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप क्या करें, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए हर दिन एक वीडियो लाने का प्रयास करता हूं जो कि आपके एग्जाम के की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर आप अपनी कमेंट करके अपना बताएं कि किस प्रकार का ये वीडियो है, मैंने वीडियो में कुछ अच्छा बता पाया कि नहीं बता पाया। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद।